हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। उम्मीद करता हूं आप सब ब्लॉग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। दोस्तों, आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे अपने खेतों के बारे में और चलते हैं अभी खेत, क्योंकि अभी बज गए हैं 4 शाम के और सुबह से उठा, उसके बाद मैं नहा धो के गया अपने स्कूल, क्योंकि मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ तो स्कूल भी जाना पड़ता है मुझे। और अब चलते हैं, हाथ मुँह धो लेते हैं और उसके बाद में खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद में चलेंगे आपको अपने इस खेत लेकर, वहाँ पर दिखाएंगे कुछ जो उड़द की फसल इस वक्त है उसको दिखाएंगे कैसी है फसल, बहुत ही प्यारी लग रही है। तो चलते हैं गाइस, आपको दिखाते हैं और बने रहिए ब्लॉग में, क्योंकि ये आज के ब्लॉग में बहुत सारा मजा आने वाला है। तो चलते हैं, मिलते हैं अभी। सो गाइस, आप देख सकते हैं हमारे पास ये चावल और सब्जी और ये मट्ठा छाछ और हम ज़मीन पर अपना भोजन कर रहे हैं। तो इसको फटाफट ख़त्म कर लेते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आ गए अपने खेत और सामने से सूरज की रोशनी आ रही है, इसीलिए कुछ ज़्यादा ही घाम लग रहा है। तो खेत में आ गए हैं और आपको दिखाते हैं, क्योंकि इस वक्त अभी तो ज़्यादा कोई फसल है नहीं है, तो इसीलिए खेत खाली पड़े हैं सारे। और एक खेत में बोई रखी है हमने उड़द की दाल, जो आप लोग खाते हैं वो हम लोग ही उगा के देते हैं, तो आपके यहाँ पहुँचती है शहर में। तो गर्मियों में यही एक फसल होती है जो कि बहुत प्यारी लग रही है, हरी हरी। और तो पूरे खेत अभी खाली पड़े हैं पीछे तक, वहाँ बहुत दूर तक। तो और ये हमारे पीछे है हमारा इंजन जो कि बंगले में है, तो दिखाते हैं आपको फसल। सो गाइस, ये है उड़द, जो उड़द की फसल है वो है और बहुत ही प्यारी लग रही है इस वक्त। और इस साइड देखें तो ये जानवरों के लिए है चरी, जो गर्मियों में खिलाई जाती है। और सूरज देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा, हमारी फसलें जो इस वक्त गर्मी में हैं वो बहुत ही अच्छी हो रखी हैं। और आ गए हैं अपने बंगले की तरफ, अब यहीं पर बैठेंगे, वीडियो को एडिट करेंगे और उसके बाद में अपलोड करेंगे, क्योंकि 6 बजे हमारा रूटीन है कि आपको वीडियो मिल जाएगी। और अपना भाई को प्यार और सपोर्ट बनाइए, और जो शहर से रहते हैं उनको नहीं पता, तो उसी के लिए मैंने वीडियो बनाने स्टार्ट कर दिया। तो गांव में क्या होता है वो सब आपको दिखाऊंगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए राम राम दोस्तों।